जो बजट पेश किया गया 7 साल के बाद, ये लगभग 76,000 करोड़ का बजट है। 7 साल में ये बजट 2.5 गुना हो गया। ये किसी आज हमारे देश में अगर हम सारी राज्य सरकारें देखें, केंद्र सरकार देखें, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतने बड़े स्केल के ऊपर इतना भारी बजट के अंदर इम्प्रूवमेंट कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये केवल और केवल एक ही कारण से हुआ, क्योंकि हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है, और उस ईमानदारी का नतीजा है कि बजट ने इस किस्म से छलांग ली है। हमने 7 साल के अंदर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को ख़त्म किया, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, रेवेन्यू के अंदर जो लीकेजेस थी, एक्सपेंडिचर में जो लीकेजेस थी, वो सब ख़त्म की, और उसका नतीजा है कि आज दिल्ली के लोगों को इतने बड़े बजट का फ़ायदा मिलने वाला है। हमारा मानना है कि आज एक आम आदमी के सामने इस देश में दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, रोज़गार और महंगाई। और इसको लेके अभी जैसे पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार ने सरकार बनते ही 25,000 नई सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, जिसका एक महीने के बाद जिनकी भर्ती होने वाली है। 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया पंजाब में। आज दिल्ली में जो बजट पेश किया गया है, अगर उसको मैं मोटे मोटे तौर पे बहुत ब्रॉडली देखूं, तो इन दो समस्याओं का समाधान, रोज़गार और महंगाई, इन दो समस्याओं का समाधान आज ये बजट दिल्ली के लोगों के लिए करता है। इतने बड़े स्केल के ऊपर, इतने क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके के साथ, मुझे नहीं लगता रोज़गार पैदा करने के लिए, मुझे नहीं लगता आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने प्रयास किया है जो आज इस बजट के ज़रिए किया गया है। पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने लगभग 12 लाख रोज़गार दिल्ली के युवाओं के लिए तैयार किए। इनमें 1,78,000 रोज़गार सरकारी सेक्टर में थे और लगभग 10 लाख रोज़गार प्राइवेट सेक्टर में थे। 12 लाख रोज़गार पिछले 7 साल के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तैयार किए। आज जो बजट पेश किया गया, ये बजट अगले 5 साल के अंदर 20 लाख नए रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखता है। ये बात कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए कि हम अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार देंगे। ये कोई चुनावी वादा नहीं है, आज कोई चुनावी सभा नहीं थी, आज विधानसभा के अंदर बजट रखा गया और बजट में 20 लाख रोजगार तैयार करने का एक पूरा खाका देश के सामने रखा गया। ये बहुत ही बोल्ड बजट है, बहुत ही इनोवेटिव बजट है, और इसके लिए मैं मनीष सिसोदिया जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यही आज लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना की वजह से बहुत सारे जॉब्स चले गए, हर घर के अंदर तकलीफ है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं। तो 20 लाख जॉब्स का ये जो बजट है, इसमें बताया गया कि दिल्ली में 1,68,00,000 लोग ऐसे हैं जो कि जॉब्स लेने के लिए सक्षम है। आबादी 1,68,00,000 नहीं है, आबादी तो 2 करोड़ के ऊपर है, उसमें बच्चे हैं, ये 1,68,00,000 लोग टोटल हैं हु आर फिट टू टेक अप जॉब्स। उन 1,68,00,000 लोगों में से केवल 1/3 लोग ऐसे हैं जिनके पास आज जॉब्स हैं दिल्ली के अंदर, बाकियों के पास जॉब्स नहीं है। तो ये 33% की जो संख्या है, इसे हमें बढ़ा के 45% तक 5 साल में ले जाना है। इसे 12% हमें इंक्रीज करना है। 12% इंक्रीज करने का मतलब है कि आज 56,00,000 लोगों के पास जॉब्स हैं, इसे 76,00,000 तक ले जाना है। तो 20 लाख नए जॉब्स हम लोगों को क्रिएट करने हैं, और ये कोई
एम्प्टी प्रॉमिस नहीं है, खोखला वादा नहीं है। आज जितने डिटेल में इस बजट के अंदर पूरी रूपरेखा समझाई गई है, जॉब्स कहाँ से आएंगे, इतनी इतनी महीन एक्सरसाइज, माइक्रो एक्सरसाइज, डिटेल्ड एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मुझे नहीं लगता कहीं कभी इस तरह की हुई है। जो जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए रिटेल सेक्टर में, इन सेक्टर्स के अंदर जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे, रिटेल सेक्टर, फूड एंड बेवरेज सेक्टर, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ग्रीन एनर्जी। तो ये 8 सेक्टर्स हैं, 8 क्षेत्र हैं जहाँ पे नए जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे, और हरेक की बहुत डिटेल्ड प्लानिंग की गई है, हरेक की बहुत डिटेल्ड स्कीम्स बनाई गई हैं। दिल्ली की 5 मार्केट्स आइडेंटिफाई की गई हैं जो कि दिल्ली की फेमस मार्केट्स हैं, ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं। इन मार्केट्स को पूरा रिवैम्प किया जाएगा, उनको रिनोवेट किया जाएगा, और वहाँ पे उम्मीद है कि पूरे रिवैम्प और रिनोवेशन और इनोवेशन के बाद उन मार्केट्स के अंदर बड़े स्तर के ऊपर बिजनेस बढ़ेगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल लगाया जाएगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल से उम्मीद है कि पूरे देश से और दुनिया भर से बहुत सारे टूरिस्ट्स दिल्ली आएंगे, जिससे दिल्ली की इकोनॉमी बढ़ेगी। और हर साल दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल होगा, लंबा फेस्टिवल होगा, जिससे दिल्ली की इकोनॉमी बढ़ेगी और दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर जॉब्स क्रिएट होंगे। होलसेल दिल्ली जो है हमेशा से देश का एक तरह से होलसेल मार्केट रहा है, पर किन्हीं कारणवश उसकी वो जो होलसेल का जो नेचर था, उसका जो कैरेक्टर था, वो ख़त्म हो गया। इसको वापस रिवाइव किया जाएगा, दिल्ली को वापस होलसेल मार्केट बनाया जाएगा और अलग से दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल किया जाएगा। दिल्ली बाज़ार पोर्टल बना रहे हैं हम लोग, मैंने पिछले साल ऐलान किया था दिल्ली बाज़ार पोर्टल, जिसमें दिल्ली के सारी दुकानें, दिल्ली के सारे मार्केट्स एक पोर्टल पर लाए जाएंगे। तो दिल्ली के अंदर कुछ भी माल बिकता है, छोटी दुकान पे, बड़ी दुकान पे, कहीं भी कोई भी माल बिकता है, वो आपके पड़ोस में रहने वाला, किसी कॉलोनी में रहने वाला आदमी भी खरीद सकता है और 24 घंटे खरीद सकता है। ऐसा नहीं कि सूरज छिपने के बाद फिर दुकान बंद हो जाएगी, कभी भी खरीद सकता है, रात को 12 बजे 1 बजे भी खरीद, अमेरिका में रहने वाला कोई आदमी भी खरीद सकता है, लंदन में रहने वाला कोई आदमी भी आपके लोकल मार्केट से, खान मार्केट से, चांदनी चौक से, आपके लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कोई भी माल खरीद सकता है। इससे हमें उम्मीद है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा जंप मिलेगा और दिल्ली के माल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बिकने चालू होंगे। गांधीनगर को ग्रैंड गारमेंट हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। गांधीनगर का कपड़े का व्यापार जो है बहुत बड़ा है और इसको अगर हम तरकीब अच्छे तरीके से, इसको सिस्टमैटिक तरीके से अगर रिवैम्प करके पूरे मार्केट को डेवलप किया जाए तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दिल्ली की जो नई स्टार्टअप पॉलिसी है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खोलती है। दिल्ली ऑलरेडी देश का स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है। दिल्ली के अंदर आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा नए स्टार्टअप्स निकल रहे हैं। तो दिल्ली की जो स्टार्टअप पॉलिसी है, हमें उम्मीद है इसके ज़रिए बच्चे जो हैं वो बहुत सारे नए नए बिजनेस शुरू करेंगे और दूसरों को नौकरी देंगे। दिल्ली के जो नॉन कन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उसको सबको डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे हमें उम्मीद है कि काफ़ी सारे जॉब्स निकलेंगे। जो फेमस फूड हब्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा, उनको मार्केट किया जाएगा। और फूड ट्रक पॉलिसी, जो खाने वाले ट्रक्स होते हैं, इसकी एक पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि बड़े स्तर के ऊपर इनको प्रमोट किया जा सके। ये सारे वो चीज़ें हैं जो एक आम आदमी कर सकता है। हम कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे जिसके अंदर बहुत बड़ी कैपिटल की ज़रूरत है। जो एक आम आदमी, छोटा आदमी, थोड़ी से कैपिटल से, छोटी कैपिटल से अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। ये सारी चीज़ें, क्लाउड किचन क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी, ई व्हीकल, सोलर एनर्जी, अर्बन फार्मिंग, इसके ज़रिए ऑलरेडी दिल्ली ईवी कैपिटल बन चुका है देश का। दिल्ली फिल्म पॉलिसी जो बनाई गई है, हमें उम्मीद है इसके ज़रिए बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। रोज़गार बाज़ार पोर्टल जो हमने बनाया, रोज़गार पोर्टल जो बनाया था हमने,
पिछली साल जैसे हमने शुरू किया उसमें 10 लाख के करीब जॉब्स निकले थे, इसका सेकंड वर्जन बनाया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो 20 लाख जॉब्स का एक एक के सामने लिखा है कि ये करने से इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, ये करने से इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, ये करने से, ये पूरा डिटेल्ड प्लान आज देश के सामने रखा गया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने है महंगाई की। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल्ली के लोगों को, केवल और केवल दिल्ली के लोगों को मिल रही हैं और वो जारी रहेंगे। आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल बेहद शानदार हो गए हैं, शिक्षा फ्री है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी शिक्षा फ्री है। ढेरों लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं, ढेरों लोग। इस साल पौने चार लाख लोगों ने प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराए हैं। अगर आपके घर में दो भी बच्चे हैं पढ़ने वाले और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो अगर 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये तो एक बच्चे की फ़ीस आई जाती है, तो 10 हज़ार रुपये पर मंथ एक आम आदमी का महंगाई के, इतने महंगाई के ज़माने में बच गया, स्कूल का ही बच गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.